25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर के बीजेपी ने विशेष रणनीति के तहत आगे बढ़ने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की 2 जनसभाओं को दिल्ली में प्रस्तावित किया है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने विजय संकल्प सभा का जायजा लिया है। इसके लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में आ चुके हैं और 25 मई वो दिन है जब दिल्ली के 7 सीटों पर चुनाव होना है और बीजेपी ने अब दिल्ली को आगे बढ़ने यानी जीत को लेकर आगे शुरुआत कर दी है। आज एक रैली यहां दिल्ली में की जाएगी जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मानी जा रही है, जो कि 3 लोकसभा सीट नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी, ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और उसके साथ बीजेपी कैंडिडेट योगेंद्र चंदौलिया के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन अभी दोपहर में ही लोगों का आप देख सकते हैं उत्साह कितना है और अब चारों तरफ देखेंगे तो लगातार लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये कहीं ना कहीं दिल्ली बीजेपी की वो रणनीति के तहत आगे बढ़ रही, जो बीजेपी 7 सीट जीने को लेकर आगे बढ़ रही है। आइए हम आपसे बात करेंगे बीजेपी नेता हरीश खुराना जी। सर, दिल्ली कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए? देखिए, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की राजधानी है, हिंदुस्तान का दिल है और यहाँ पे हर क्षेत्र के लोग रहते हैं, चाहे पूर्वांचल के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो तमिलनाडु के हों, हर क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं और आज मोदी जी यहाँ से विजय संकल्प रैली को संबोधित करने वाले हैं। निश्चित तौर के ऊपर जो एक जोश ऑलरेडी कार्यकर्ताओं के अंदर है, आज वो जोश उमंग के रूप में एक संचार होगा लोगों के बीच में और निश्चित तौर के ऊपर 25 तारीख को जो हमारा एक कृत संकल्प है कि दिल्ली के अंदर 7 सीटें और अब की बार 400 पार का जो हमारा संकल्प है उसको निश्चित तौर के ऊपर आज एक रैली एक बहुत अच्छा है उसको देगी। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में जो बवाल है उससे लग रहा है आपके अच्छे दिन तो आ गए। अब आम आदमी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो उनका इंटरनल मैटर है, भारतीय जनता पार्टी कोई लेना नहीं है। लेकिन लोगों को ये समझ में आ गई है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी जो कहती थी उसके बिल्कुल उलट करती है, वादे जो करती थी बिल्कुल उलट है और ये जिस प्रकार से उनकी जो चाल चल जो चेहरा है वो सामने आ चुका है। अब वो जनता उसको ऑलरेडी नकार चुकी है, 2019 में भी नकारा था, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है 2024 के अंदर भी 7 सीटें हमारे को मिलेंगी। कैमरामैन कृष्ण देव के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली।